हमारा टॉपिक है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस किसको कहते हैं, जब कोई बिजनेसमैन अगर वो गुड्स में डीलिंग करता है तो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी उसको खर्चे करने पड़ते हैं रूटीन में, उनको हम एक्सपेंसेस में शामिल करते हैं। और अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसके जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। इसीलिए एक्सपेंस की डेफिनेशन ये हो सकती है, एन एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जब हम गुड्स प्रोड्यूस करने में या सर्विसेज प्रोवाइड करने में जो भी खर्चे करता है बिजनेसमैन उसको हम एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। अकॉर्डिंग टू फिनी एंड मिलर, एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज़ ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज़ ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। क्यों करते हैं, क्योंकि अगर बिजनेसमैन ये छोटे मोटे जो भी खर्चे कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो इनकम को जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि परचेज ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ गुड्स, जैसे कि अगर गुड्स परचेज की जाती है उसको हम एक्सपेंडिचर में ले सकते हैं, जबकि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है वो एक एक्सपेंस होता है। इसी प्रकार से जैसे कि एसेट परचेज की किसी बिजनेस ने, फिक्स्ड एसेट्स, तो उसको हम एक्सपेंडिचर का नाम देते हैं। और अगर वो एसेट या वो गुड्स ऐसी है जिसका बेनिफिट हमें एक साल से ज़्यादा टाइम तक मिलता है तो उनको हम एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। और अगर उस एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे जो कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन के रूप में जो है एक्सपेंसेस मान के चलते हैं। तो इस तरीके से एक्सपेंसेस जो है वो होते हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर जिनसे एक बिजनेसमैन जो है बेनिफिट लेता है, या फिर एक साल के अंदर अंदर उस बिजनेसमैन को उन खर्चों की पेमेंट जो है करनी पड़ती है। बेनिफिट का मतलब है जैसे कि अगर उसने रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो उस रॉ मटेरियल को वो अपने गुड्स वगैरह बनाने में जो है यूज़ करता है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आप अगर रेशियो एनालिसिस आपने पढ़ा होगा वहाँ पर कैसे आप कैलकुलेट करते थे, आप कैलकुलेट करते थे कि ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेजेस प्लस में वेजेस और माइनस में आपका क्लोजिंग स्टॉक। एक दूसरा तरीका आपके पास होता था कि सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है आ जाता है। अब जो ये ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी हम आइटम दिखाते हैं ना, ये जनरली ये जो खर्चे होते हैं ना ये गुड्स मैन्युफैक्चर करने में जो है होते हैं, और इसीलिए हम इनको खर्चों में शामिल कर रहे हैं। इनमें कोई भी ऐसा खर्चा नहीं होता जिसका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा तक मिलता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ले रहे हैं। अमाउंट जो सैलरी या रेंट कमीशन वगैरह के लिए पे करते हैं उनको भी खर्चों में लिया जाता है। और अगर डेप्रिसिएशन को हम लेते हैं तो उसको भी आप सभी जानते हैं कि हम पी एंड एल अकाउंट में दिखाते हैं खर्चे के रूप में। नेक्स्ट है इनकम। तो इनकम जो है जब एक बिजनेसमैन को सेल करके गुड्स या सर्विसेज जो भी वो करता है उसको सेल करके जो भी उसको इनकम जनरेट होती है या मिलती है उसको हम रेवेन्यू का नाम देते हैं। और इससे जो ओनर्स की इक्विटी है, ओनर्स की इक्विटी मींस ओनर्स की जो कैपिटल है उसमें फेवरेबल चेंज आता है। फेवरेबल अगर मान लीजिए इनकम ज़्यादा है तो जो ओनर्स का इक्विटी यानी कि ओनर्स की जो कैपिटल है वो बढ़ जाती है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि सरप्लस अगर रेवेन्यू का है एक्सपेंसेस के ऊपर तो वो भी इनकम होती है। जैसे कि इनकम को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकम इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुड्स जो है वो 80,000 की कॉस्ट थी और सेल की गई है 120,000 में, तो सेल अमाउंट यहाँ पर 120,000 जो है वो रेवेन्यू है और कॉस्ट जो है वो है 80,000। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि इनकम होगी आपकी 40,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट और इनकम को हम सेम भी कह सकते हैं। प्रॉफिट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में ये देखते हैं कि बिजनेस ने टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया है और टोटल एक्सपेंसेस बिजनेस में कितने हुए हैं, अगर उसका हम डिफरेंस देखें तो वो प्रॉफिट के रूप में आता है और प्रॉफिट जो है ओनर्स की कैपिटल को बढ़ाता है। नेक्स्ट है गेन। गेन के लिए हम ये कह रहे हैं कि गेन जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट या प्रॉफिट या एडवांटेज जो है को कहते हैं, जो कि कभी कभार होता है बिजनेस में, यानी कि बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज़ की बजाय कभी कभी कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुई है जिससे कि बिजनेस को बेनिफिट हो रहा हो, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को जब भी बिजनेस में खरीदते हैं तो सेल करने के लिए नहीं खरीदते, बट अगर उस एसेट को 10 साल बिजनेस में यूज़ कर लिया गया और उसकी जगह हमने दूसरी एसेट परचेज कर ली है, तो पुराने एसेट को जब सेल करते और उसको सेल करने पर भी अगर बिजनेस ने फ़ायदा कमाया है तो उसको हम गेन का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो बिल्डिंग की फैक्ट्री थी उसकी कॉस्ट जब उसको ख़रीदा था तो 10 लाख रुपए थी। लैंड ऐसी होती है या बिल्डिंग जिसकी कीमत बढ़ती रहती है, सेल उसको किया 12 लाख में, तो 2 लाख रुपए का यहाँ पर जो है फैक्ट्री बिल्डिंग पे गेन हो रहा है। नेक्स्ट है लॉस। लॉस जो है वो एक्सेस माना जाता है टोटल एक्सपेंसेस का टोटल रेवेन्यू के ऊपर।
अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल को ही यहाँ पर ले तो जो अगर मान लीजिए गुड्स की कॉस्ट जो है वो 80,000 है और सेल की है 60,000 की, तो यहाँ पर 20,000 जो है बिजनेस लॉस में जा रहा है क्योंकि बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हुए हैं गुड्स को बनाने में, जबकि उसने सेल जो है 20,000 लेस पे किया है। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी होती है बिजनेस की जिससे कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ओनर्स की जो इक्विटी है वो कम होती है या ओनर्स की कैपिटल जो है वो कम होती है। नेक्स्ट है परचेजेस। तो परचेजेस वर्ड को बिजनेस में जब भी यूज़ किया जाता है इट मींस कि जो बिजनेस में गुड्स जो है वो परचेज़ की जा रही है, और वो भी वो गुड्स जिसमें बिजनेस की डीलिंग होती है रूटीन में। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक कपड़ा व्यापारी है, क्लॉथ ट्रेडर है, अगर वो क्लॉथ की परचेजिंग करता है तो वो उसकी गुड्स जो है परचेजेस मानी जाएंगी। इसी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि गुड्स हमारे लिए वो थिंग्स होती है या वो आइटम्स हम बिजनेस में कह सकते हैं जिनको कि रीसेल करने के लिए बिजनेस में ख़रीदा जा रहा है ताकि उनको रीसेल करके प्रॉफिट कमाया जा सके। जैसे एक राइस ट्रेडर के लिए राइस जो है वो गुड्स या परचेजेस हो सकती है, कॉफ़ी ट्रेडर के लिए कॉफ़ी जो है परचेजेस होती है, टी ट्रेडर होती है। अच्छा, ये होता है कि गुड्स अकाउंट कभी भी सेपरेट नहीं खोला जाता बिजनेस में, गुड्स अकाउंट की तरह की बजाय परचेज अकाउंट जो है खोला जाता है। जब भी बिजनेस में गुड्स परचेज की जाती है तो वो परचेज अकाउंट जो है खोला जाएगा, और ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आप सभी जानते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस। तो नॉमिनल अकाउंट होने के नाते जब भी बिजनेस में परचेजेस की जाती है तो वो बिजनेस का खर्चा होता है और हमेशा ही वो परचेजेस अकाउंट में डेबिट रहता है। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न जो है बिजनेस में तब खोला जाता है जब कई कारणों से या कुछ एक ऐसे रीजंस हो जाते हैं कि बिजनेस जो है अपनी गुड्स को रिटर्न कर देता है जिनसे भी उन्होंने ख़रीदा है। इसको रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है, और ये भी नॉमिनल अकाउंट होता है। हमेशा ही परचेज अकाउंट डेबिट रहेगा तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो क्रेडिट रहता है, क्योंकि रिटर्न से परचेजेस जो है वो रिड्यूस होती है। नेक्स्ट है सेल अकाउंट। सेल से अभिप्राय क्या है कि सेल में जो है वो हम थिंग्स या गुड्स या सर्विसेज जो है शामिल करते हैं जिसमें बिजनेस ने सेल की है। यानी कि अगर मान लीजिए एक राइस ट्रेडर राइस की सेल करता है तो वो उसके लिए सेल है। अब यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि जब भी बिजनेस में किसी भी आइटम की सेल की जाती है जिसमें कि बिजनेस डील करता है, या किसी गुड्स की सेल की जाती है जिसमें बिजनेस डील करता है, तो उस गुड्स अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय यहाँ पर सेल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। और ये भी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, तो यहाँ पर भी वो सेम रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। उस रूल के इम्प्लीमेंट होने की वजह से हमेशा ही जो सेल अकाउंट है वो क्रेडिट रहता है, और क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से ये इनकम और गेन में आता है। नेक्स्ट है आपका सेल रिटर्न। ये तब खोला जाता है जब बिजनेस में किसी कारणों से जो गुड्स जो है वो वापस आ जाती है, यानी कि जिन्होंने गुड्स जो है ख़रीदी है बिजनेस से वो वापस कर रहे हैं बिजनेस में, तो इसको रिटर्न इन वर्ड का नाम भी दिया जाता है। और ये सेल्स अकाउंट आपका हमेशा क्रेडिट रहता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका हमेशा ही डेबिट रहता है, क्योंकि इससे क्या होता है जो इनकम जो है बिजनेस की वो कम होती है। नेक्स्ट है स्टॉक। अब देखिए जिस गुड्स में बिजनेस डील कर रहा है उस गुड्स में ज़रूरी नहीं है कि जितनी एक साल में गुड्स बनी है वो सारी की सारी उसी साल में बिक जाए, तो जो रिमेनिंग अनसोल्ड गुड बचती है उसको हम स्टॉक कहते हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ अनसोल्ड गुड्स इज़ नोन एज स्टॉक। अब स्टॉक जो है इसमें सभी तरीके का स्टॉक शामिल किया जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का स्टॉक है, चाहे वो फिनिश्ड गुड का स्टॉक है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड गुड का स्टॉक है। और स्टॉक की वैल्यूएशन यहाँ पर बिजनेस में की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाने के लिए। तो हम ये देखते हैं कि स्टॉक की मार्केट प्राइस क्या है, स्टॉक की कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों में जो भी कम हो उस पर इसको लिया जाता है। जो बिजनेस में स्टार्टिंग में स्टॉक होता है उसको हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, जो बिजनेस में एंड में स्टॉक होता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट है डेटर। डेटर्स जो है बिजनेस में उन पर्संस के लिए ये वर्ड रेफर किया जाता है जिनको बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड सोल्ड की है या फिर सर्विसेज जो है वो क्रेडिट पे प्रोवाइड की है, और इन लोगों से पेमेंट अभी बिजनेस को नहीं मिली है। फॉर एग्जांपल, अगर गुड्स जो है वो ₹10,000 की राम को बिजनेस ने क्रेडिट पे सेल की, तो ये राम जो व्यक्ति है ये बिजनेस में तब तक डेबिटर बना रहेगा जब तक कि ये अपनी पूरी की पूरी पेमेंट बिजनेस में ना कर दे। इसी तरीके से है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स वर्ड जो है उन पर्संस के लिए बिजनेस में यूज़ किया जाता है जिनसे बिजनेस ने क्रेडिट पे गुड्स, यानी कि बिजनेसमैन ने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की है या सर्विसेज जो है वो क्रेडिट पे ली है और इनको पेमेंट अभी नहीं की है। हम ये यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन
जिसने बिजनेस से अपना पैसा वापस लेना है, अभी लिया नहीं है, उसको हम क्रेडिटर्स का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गुड्स जो है वो 10,000 की परचेज की है रवि से क्रेडिट पे बिजनेस में, तो ये जो रवि है ये व्यक्ति तब तक बिजनेस में क्रेडिटर रहेगा जब तक कि बिजनेस की तरफ से इसको पूरी पेमेंट ना कर दी जाए।